इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन की। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मोहन जोदारो नाम की मूवी आई थी, वो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जो है उस सभ्यता का जो है विनाश हो जाता है। हालांकि वो बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है, उस सभ्यता के विनाश के पीछे कई कहानियां हैं कि अग्निकुंड के कारण विनाश हुआ, बाढ़ के कारण हुआ, या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ, ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। लेकिन फिर भी एक मूवी की बात थी, यानी कि सभ्यता का जब विनाश हुआ तभी तो दूसरी सभ्यता फिर विकास में आई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो नवीन सभ्यता भारतवर्ष की धरती पर विकसित हुई उसको हम कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन जो था यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन थी। जैसे कि मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो अर्बन सिविलाइजेशन था। तो पहले चैप्टर में भी मैं बताते वक्त मैंने कहा था कि बिल्कुल हम लोग कंसेप्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे, तो फिर से हम वही कंसेप्ट को अपनाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम इसमें किसकी, टाइम जोन की, फिर उसके बाद करेंगे लोकेशन की, फिर बात करेंगे किसकी, सोर्सेस की, और अंत में बात करेंगे पूरे कल्चर की। तो कल्चर में तो सब कुछ आता है, मैंने उसमें बताया कि उसका फूडिंग, उसका पॉलिटिकल, उसका इकोनॉमिक, उसका सोसाइटी, पूरा ये कल्चर कवर करता है। सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे। टाइम ड्यूरेशन से बात करने से पहले वैदिक सिविलाइजेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है हम बनाते हैं। जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन नाम से स्पष्ट है कि इसमें वेदों के बारे में जानेंगे। तो वेद कितने हैं, वेद है चार, यानी कि चार वेद। हमारा पहला जो वेद है वो है ऋग्वेदा, उसके बाद यजुर्वेदा, उसके बाद सामवेदा, और उसके बाद अथर्ववेदा। अथर्ववेदा ये चार वेद है, यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेद की संख्या कितनी है तो वेद जो होगा वह चार होगा। और इसमें जो शुरू के तीन वेद हैं इसको कहते हैं त्रयी, ट्रिपलेट। यानी ये जो तीन वेद है इसका निर्माण पहले हुआ और अथर्ववेद का निर्माण जो है वो बाद में हुआ। वैदिक सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आर्यन सिविलाइजेशन क्यों, ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग जो है कि कहीं बाहर के रहने वाले थे, अब कहाँ के रहने वाले थे वो भी मैं बताता हूँ, वो लोग यहाँ आए और एक नवीन सभ्यता का विकास किए थे, उसको आर्यन सिविलाइजेशन कहते थे। चूंकि आर्यों के द्वारा ये सभ्यता विकसित हुई इसलिए इसको आर्यन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। महान इतिहासकार, एक नाम बहुत महान है उसका, हालांकि उनके सारे थ्योरीज, उनके थ्योरीज को ये भी माना जाता है, उस पर कई शोध चल रहे हैं। तो इन्होंने आर्यन थ्योरी देते हुए कहा था कि आर्य जो है वह मूल रूप से, इस पर अभी काफी चर्चा होते रहती है, मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में बैक्टीरिया जगह है वह वहीं के रहने वाले थे इनका मानना था, और वहां से ये आए पंजाब में सबसे पहले। तो इनका लोकेशन का जो बात करेंगे वो यमुना के क्षेत्र में लोकेशन है, गंगा यमुना के क्षेत्र में, तो लोकेशन पंजाब का हो जाएगा। इसमें टाइम जोन जो है अभी चर्चा करेंगे। टाइम जोन जो था वैदिक सिविलाइजेशन का वो 1500 BC, याद है मैंने उसमें आपको बताया था 2350 से 1750, और कुछ लोग बोले थे 1500 तक। तो अब जो बात होगी वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक की, ये हमारा टाइम पीरियड है। लोकेशन मैंने बताया ही, इंडिया के पंजाब वाला जो एरिया वहाँ लोकेशन है इसका, और सोर्सेस इसका वेद होगा चूंकि लिखित साक्ष्य को मिले हैं, और पूरे कल्चर की हम बाद में बात करेंगे। तो मैक्स मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि किसके अनुसार जो है आर्यन जो थे वह मध्य एशिया के निवासी थे, तो मैक्स मूलर की ये थ्योरी थी जिसके अनुसार आर्यन जो थे वह मध्य एशिया के निवासी थे। फिर से आते हैं वेद की ओर। वेद चार होता है मैंने आपको बताया, तो वेद का अर्थ होता है जानना, टू नो, और ज्ञान। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है कि वेद का अर्थ जो है वह क्या होता है, और वेद में चूंकि आर्यन सिविलाइजेशन है तो वेद में आर्यों की बात की गई है। तो आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, इन सबसे अक्सर प्रश्न आ जाता है, स्वतंत्र। श्रेष्ठ मतलब क्या, श्रेष्ठ मतलब आपका हुआ बेस्ट, यानी कि कहा जाता है कि आर्य जो थे वह बेस्ट थे। उसके बाद कुलीन, ऑलिग्रेच, ये कुलीन लोग थे, और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट।
तो ये था आपका वैदिक सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में लोग बांटते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला जो है वह है आपका रिंग वैदिक पीरियड और दूसरा जो है वह है आपका लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसको हम लोग फिर से दो भागों में बांटेंगे, पहला आपका होगा रिंग वैदिक और दूसरा आपका होगा लेटर वैदिक। हिंदी में इसमें लिखेंगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका जो कालखंड ऋग वैदिक पीरियड का है वह है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और इसका जो है वह है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। डिवीजन हुआ था, मान ली डिवीजन इस आधार पर हुआ था कि 1000 बीसी के आसपास जो था वह लोहे की खोज हो गई थी, और लोहे की खोज के बाद जो था पूरा चेंज आएगा। लोहा वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद कल्टीवेशन होने लगा, उसके बाद जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा, तो इसके कारण जो है इसको टाइम पीरियड बना गया। लोहे के कारण ही जो है ये टाइम पीरियड बना गया, बाउंड्री डाला गया कि इसको लेटर वैदिक कहेंगे और इसको जो है ऋग वैदिक कहेंगे। और एक चीज इसमें मैंने मिस किया कि वेद के बारे में जब बताया तो वेद का संकलन करता है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि उसके कंपाइलर जो थे वेद को किसने संकलित किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद को किसी ने लिखा नहीं, क्योंकि यह जो है अपौरुषेय है, इसकी रचना जो है वह ईश्वर ने की है। कई बार आप इसके संदर्भ में कहानी भी सुनते होंगे कि कैसे महर्षि वेद व्यास को जो है गणेश जी आके पूरा वेद लिखवाए हैं, तो वेद की रचना जो है किसी मानव ने नहीं अपितु ईश्वर ने की है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। और इसके संकलनकर्ता जो है यानी कंपाइलर, इसके संकलनकर्ता कंपाइलर जो है वह है महर्षि वेद व्यास। आप लोग इस पॉइंट को वीवीआई कहेंगे, महर्षि वेद व्यास। कई बार इससे क्वेश्चन आता है, हालांकि इतनी बार पूछा जा चुका है कि ये सब नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बेसिक जो है नॉलेज वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना बेस के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आइए फिर से हम लोग चार्ट के माध्यम से पूरे वैदिक सिविलाइजेशन को मुश्किल से 15 से 20 मिनट में पढ़ेंगे। पहले नोट्स बनाते हैं, पहले चार्ट हम बनाते हैं वैदिक सिविलाइजेशन का। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने वैदिक चार्ट, यानी चारों वेदों में इससे क्वेश्चन ज्यादा बाहर नहीं जाएगा आपके लिए। इतना जो है वो बीएचयू एंट्रेंस, चाहे वो आर्ट्स का हो या सोशल हो, उसके लिए इनफ है। आइए चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात ऋग्वेद की करते हैं। ऋग्वेद मैंने बताया चूंकि बड़ा वेद है और पहला है, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ज्यादा पढ़ा, वैसे वैदिक पीरियड में आपको ऋग्वेद को ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मात्र इतने में वो खत्म हो गया, उससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले ही नहीं। ऋग्वेद से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ऋग्वेद अगर वेद है तो किसी न किसी चीज की जानकारी देगी। तो ये जो आर्यन लोग थे उसके संस्कृति यानी कल्चर के विषय में हमें जानकारी मिलती थी ऋग्वेद से। तो क्वेश्चन अगर आया कि किस वेद से आर्यंस के कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर वैदिक सभ्यता में वह कौन सा वेद है जिससे कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन आपको दे देंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद को टिक करना है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है वह है कि इसमें 10 मंडल यानी कि 10 पार्ट्स में डिवाइडेड था और 1028 सूक्त यानी 1028 हिम्स इसमें जो थे वह थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई मार्क करिएगा, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वह है कि इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, यानी जो वह मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जिसका आप लोग जाप करते हैं, उस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में तीसरे मंडल में मिलता है। और यह गायत्री मंत्र जो है वह सविता को समर्पित है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है, तो वह सविता देवी को समर्पित है। इसके बाद ऋग्वेद का सातवां मंडल यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दशराज युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है, और यह दशराज युद्ध जो है वह पुरुषानी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषानी नदी यानी आधुनिक रावी नदी, आज का जो रावी नदी है इसी को पहले पुरुषानी नदी के नाम से जाना जाता था। तो दशराज युद्ध का वर्णन जो है वह ऋग्वेद में मिलता है उसके सातवें मंडल में। हालांकि इस युद्ध के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा आपके मन में यह चीज जरूर आ रहा होगा कि आखिर यह युद्ध था क्या। तो यह युद्ध जो था दो वंश थे, एक भरत वंश दूसरा पुरु वंश, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। भरत वंश का जो राजा था उसका नाम था सुदास, और पुरु वंश का जो राजा था उसका नाम था पुरुकुत्स। एक्चुअली हुआ ये कि भरत वंश के जो थे पुरोहित हुआ थे विश्वामित्र, और राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटा के
पुरोहित बना लिया ऋषि वशिष्ठ को। इसी बात को लेके द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो गई और फिर दोनों में युद्ध हुआ। अंत में जो था भरत वंश विजय हुआ और इसी भरत वंश के नाम पर हमारे देश का नाम जो है वह भारत पड़ा है। फिर आगे चलकर भरत वंश और कुरु वंश में जो है वह पुरु वंश में दोस्ती हो जाती है, जिससे एक नवीन वंश का निर्माण होता है कुरु वंश। ये इन दोनों की मित्रता के बाद आता है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है नौवा मंडल। नौवे मंडल में सोम के बारे में जानकारी मिलती है। सोम क्या है? यह एक प्रकार का शराब था, यानी सुरा या पेय पदार्थ था। इसके बारे में जानकारी भी हमें ऋग्वेद के नौवे मंडल में मिलती है। फिर एक वीवीआई वाला पॉइंट आया इसमें कि दसवें मंडल में जो है वह चारों वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है, यानी वर्ण सिस्टम की जानकारी जो है वह ऋग्वेद में मिलती है वह दसवें मंडल में, जिसमें कि चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके विषय में जानकारी दी गई है। उसके बाद जो ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट अगला है वह सबसे पवित्र नदी। सबसे पवित्र नदी जो वैदिक काल में था वह था सरस्वती। सरस्वती को नदियों की माता करके संबोधित किया जाता था। और फिर अंतिम जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने देखा कि सिंधु का जिक्र कम हुआ, लेकिन सबसे अधिक बार जिक्र जो है ऋग्वेद में भी सिंधु नदी का हुआ, यानी कि सिंधु की महत्ता जो है वह अब तक मेंटेन थी। इसके बाद आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद से ज्यादा प्रश्न आते नहीं है। यजुर्वेद से प्रश्न कभी कभी आएगा कि वह कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य, यानी कि नेम द वेदा विच इज रिटन इज प्रोज एंड वर्सेस, यानी कि प्रोज और वर्सेस दोनों में जिस वेद का रचना किया गया है वो आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद में जो है रिचुअल्स के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि ऋग्वेद में संस्कृति यानी कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे यजुर्वेद में आपको कर्मकांड, वैदिक आर्यंस के कर्मकांड यानी रिचुअल्स की जानकारी मिलती है। रिचुअल्स क्या था उसमें? यज्ञ करना, हवन करना, इन सब के बारे में। क्वेश्चन अगर मान लीजिए दिया यज्ञ हवन की जानकारी किस वेदों से मिलती है, तो यजुर्वेद। उनके संस्कृति के बारे में जानकारी, कल्चर के विषय में जानकारी किससे मिलती है, तो ऋग्वेद। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में जो है संगीत के विषय में जानकारी मिलती है। सामवेद से म्यूजिक के विषय में जानकारी मिलती है और इतना ही इन एफआर के लिए। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है वह जादू टोना और भूत प्रेत यानी विचक्राफ्ट एंड फैंटम, इन सब के विषय में जानकारी जो है वह अथर्ववेद में मिलती है। आप थोड़ा कॉरिलेट करिए इन सारे चीजों को तो आपको लगेगा हर चीज होता है। जैसे देखिए आज भी जादू टोना भूत प्रेत में लोग यकीन रखते हैं, वो चीजें हमारे पूर्वज से उठ के हम तक पहुंची हैं। उसके बाद संगीत, ये चीजें काफी पुरानी है। एक चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित तौर पे आप याद कीजिएगा, इससे कहीं ना कहीं एक प्रश्न आ सकता है इस बार, क्योंकि पिछले एक दो सालों में इससे क्वेश्चन नहीं दिए हैं। हिस्ट्री का सिलेबस चूंकि बहुत फास्ट है तो होता क्या है क्वेश्चन साइक्लिक मोड में चलता है। इस बार जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से दिया तो हो सकता है अगले बार ना दे, उसके अगले साल दे दे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और क्वेश्चन उनको उन्हीं में से देना है। तो ये चार्ट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा। इसमें क्या है कि वेद को कोई ना कोई रिसाइट करता है, उसके रिसाइटर होते हैं, उसके पुरोहित होते हैं, तो उसके जो पुरोहित होते हैं उसके नाम है। और हर वेद का एक अपना उपवेद है और उसका जन्मदाता, यानी कि उस वेद उपवेद का जनरेटर है, किसने उस उपवेद को लिखा या उस उपवेद से संबंधित जानकारी को दिया सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, जो ऋग्वेद को रिसाइट करते थे यज्ञ समय पे, उसको कहते हैं होता या होत्री। इंग्लिश में भी सेम इसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, होता या होत्री। और ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। इसमें ज्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं, आयुर्वेद है तो आयुर्वेद आप समझ ही रहे होंगे, ये चिकित्सा से संबंधित है। और इसका जो जन्मदाता था वह था प्रजापति। प्रजापति, क्वेश्चन आ सकता है कि आयुर्वेद का जन्मदाता जो था, आयुर्वेद का जनरेटर जो है वह कौन है, तो आयुर्वेद का जनरेटर जो है वह है प्रजापति। उसके बाद यजुर्वेद की बात करते हैं, तो यजुर्वेद का जो जनरेटर है, सॉरी यजुर्वेद में जो पुरोहित है उसका, जो उसको रिसाइट करता था यज्ञ के मौसम, यज्ञ के टाइम, वह था अर्धवायु। अर्धवायु। और उसका जो उपवेद है वह है धनुर्वेद। धनुर्वेद का संबंध किस चीज से होगा, तो धनुर्वेद ऑटोमेटिक सी बात है, धनु किस लिए प्रयोग करते थे, तो युद्ध करने के लिए, तो धनुर्वेद का संबंध जो है वह है युद्ध कला से। और इसका जो जन्मदाता था धनुर्वेद का वह था आपका विश्वामित्र। ए भाई आवाज मत करो, तुरंत खींचेगा। यजुर्वेद के बाद बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद का जो पुरोहित था, उसका जो कैलरिक था, वह था हमारा उद्गाता। क्वेश्चन ये अगर आया कि सामवेद का जो रिसाइट करता था यज्ञ अवसर पे,
उसके ऋषि को क्या कहते थे, उसके पुरोहित को क्या कहते थे, तो वह था उद्गाता। और सामवेद का भी अपना एक उपवेद था जिसका नाम था गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो था वह संगीत से संबंधित था, और संगीत तो आपको याद ही होगा, सीरियल्स में देखते होंगे नारायण नारायण करते हुए नारद जी को, तो वही नारद जी जो थे वह संगीत से संबंधित है। और उसके बाद अंतिम आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो रिसाइटर होता है उसको कहते हैं ब्रह्मा, यानी इसके पुरोहित को कहते हैं ब्रह्मा। और यह जो था शिल्प उपवेद से संबंधित, इसका उपवेद जो है उसका नाम है शिल्प उपवेद, यानी क्राफ्ट। और क्राफ्टिंग का काम कौन करता था देवताओं में, आपको पता होगा, आपने सुना होगा विश्वकर्मा का नाम। अभी कुछ ही दिन पहले विश्वकर्मा पूजा बीता भी है। तो विश्वकर्मा जो जी थे वह थे आपके क्राफ्ट से संबंधित, यानी कि शिल्प उपवेद से संबंधित। तो ये रहा आपका चारों वेदों का चार्ट, पूरा साइंटिफिक वे में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर अंतिम हमारा पॉइंट होगा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसमें हमने देखा कि हमने इसके टाइम पीरियड की बात की वैदिक काल के, उसके बाद चारों वेदों की बात की, अब अंतिम में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर जाएंगे। और आज का हमारा जो क्लास है वो इसी फैक्ट के साथ खत्म होने वाला है। तो आइए चलते हैं फैक्ट की ओर। तो दोस्तों ये है हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। जो सबसे पहला फैक्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है ये सत्यमेव जयते। क्वेश्चन ये आता है कि सत्यमेव जयते, आपको पता होगा कि सत्यमेव जयते जो है इंडिया का आइडल वाक्य है, यानी कि यह आदर्श वाक्य भारत का। सारे कोर्ट्स में, सारे जो आपके अच्छे अच्छे जगह है वहाँ ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है। अब जीत होती है या नहीं ये आप तय करेंगे, लेकिन लिखा हुआ आपको मिलता है। तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद कर लेना है कि सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। और ये है आपका वीवीआई क्वेश्चन, इसको बात करेंगे। साथ ही उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें आता है यमन्नचिकेता संवाद। यमन्नचिकेता संवाद जो है वह बहुत क्लिष्ट है, इसको ज्यादा आपको नहीं समझना है, बस आपको ये याद करना है कि यमन्नचिकेता संवाद जो है वह कठोप उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। आगे जब आप आएंगे यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो इस संवाद के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद उपनिषद की संख्या, जैसे वेदों की संख्या चार है तो उपनिषदों की संख्या जो है वह 108 है। उपनिषद को इंग्लिश में उपनिषद ही कहते हैं, सत्यमेव जयते को भी वही कहते हैं, मुंडकोप उपनिषद को भी इंग्लिश में वही कहते हैं। तो जहां पे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी मुझे लिखना होगा मैं लिख दिया करूंगा, और जहां नहीं लिखूं समझ जाइए कि वो सेम है, क्योंकि हिस्ट्री में ज्यादा जो है वो आपको सेम ही मिलेगा। उसके बाद वेदांग की बात करते हैं, तो वेदांग जो है वो अच्छे होते हैं, जिसमें आपका शिक्षा कल्प यानी व्याकरण ग्रामर निरुक्त को निरुक्त कहते हैं, छंद और ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, ये सारे छह जो है वो हमारे वेदांग होते हैं। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, इससे क्वेश्चन ये इस पोर्शन से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में जो था राजनीतिक और सामाजिक स्थिति दोनों बदला, इसलिए तो हमने डिवीजन किया। अगर मान लीजिए कोई चेंजिंग ना होता तो हम डिवीजन क्यों करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की। तो ऋग्वैदिक में जो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा इकाई था, यानी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे छोटी यूनिट थी पॉलिटिकल, वो थी परिवार यानी आपकी फैमिली। और जो परिवार का मुखिया होता था यानी पिता, वो था कुसुप या कुलपति, उसको कहते थे कुसुप या कुलपति। और कई परिवार को मिला के एक गांव का निर्माण होता था, एक ग्राम की रचना होती थी। और गांव का जो होता था मुखिया, जैसे आज उसको यूपी में प्रधानी कहते हैं, बिहार में उसको मुखिया कहते हैं, तो गांव का जो प्रधान होता था उसको कहते हैं ग्रामिणी। उसके बाद कई गांव को मिला के एक विश का निर्माण होता था, और उस विश के जो हेड होते थे उसको कहते थे विशपति। इसको जो आप समझ सकते हैं ब्लॉक लेवल पे। उसके बाद कई विश को मिला के एक जन या कबीला का निर्माण होता था, और उसका जो हेड होता था उसको कहते थे राजा। अब मान लीजिए राजा आया तो उस समय किस प्रकार का शासन था, क्या उसमें डिक्टेटरशिप था, नहीं उसमें डिक्टेटरशिप नहीं था, वह एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था उस समय। तो उस समय के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे उसमें आपका इंपॉर्टेंट आता है सभा समिति और विदत। यहां से प्रश्न आते हैं कि सभा समिति विदत जो है इस बात की चर्चा कहां मिलती है, ऋग्वैदिक में या उत्तर वैदिक में। तो ध्यान रखिएगा ये जो सारे इंस्टीट्यूशन थे इसकी चर्चा ऋग्वेद में ही मिल जाती है। उसके बाद आइए सोशल स्टेटस की बात कर लेते हैं। हमने देखा पॉलिटिकल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस जब उत्तर वैदिक में जाएंगे तो ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए लिखा भी नहीं है मैंने, कि राजा को यहाँ जो था वह कर लेने का अधिकार नहीं था।
लेकिन उत्तर वैदिक में जाते जाते राजा शक्तिशाली हो जाता है और ये कर भी वसूलने लगता है। तभी तो आगे फिर हम महाजनपद इलाके में बढ़ेंगे, क्योंकि देखेंगे कि जब महाजनपद इलाके में जाते हैं तब तो राजा ही हो जाते हैं, नए नए नगरों का निर्माण होता है और फिर युद्ध होगा शुरू हुआ, तो चलेंगे हम लोग भी लड़ेंगे युद्ध। उसके बाद आइए सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस में बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, ये सब जो था ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड तक जाते जाते ये सब कुनुतियां हमारे समाज में आ गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा किस काल की कुनुतियां हैं, तो याद रहे उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक में बिल्कुल भी ये नहीं था। उसके बाद जाति की बात करते हैं। आपको बताया था कि ऋग्वेद के दसवें मंडल में जाति का जिक्र किया गया है, वर्ण का जिक्र किया गया है, लेकिन जाति का आधार जो था वह जन्म नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार जो था वह योग्यता था, यानी आपके क्वालिफिकेशंस थे। और सोशल स्टेटस की बात करें तो महिलाओं की स्थिति जो थी वह बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन इससे आता है और इससे भी आता है कि जाति आधारित जो है, जाति का आधार जन्म कब हो गया, तो याद रहे जाति का आधार जन्म जो है वह उत्तर वैदिक काल में होता है और महिलाओं की स्थिति भी जो है उत्तर वैदिक काल में खराब होती है, जबकि ऋग्वैदिक काल में हमें कई पढ़ी लिखी महिलाओं का नाम मिलता है जिसमें आपका लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा, ये लोग एडुकेटेड महिलाएं थी उस समय की, इनका जिक्र मिलता है। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति की पूजा होती थी और इंद्र जो था उस समय का सबसे शक्तिशाली भगवान माना जाता था और इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। क्वेश्चन आते हैं युद्ध और वर्षा का देवता कौन था, तो इंद्र। उसके बाद वरुण जो था वह ऋतु का यानी सीजन्स का जो था वह देवता था, और इसके बाद अंतिम जो है वह मारुत, वह आंधी और तूफान का देवता था। इससे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ऋग्वेद में प्रकृति की पूजा की जाती थी और मुख्य जो था वह इंद्र था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम जाते हैं तो कर्मकांड जो है वह बढ़ जाता है और इसका स्थान ले लेते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा। ये था आपका ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक का राजनीतिक और सोशल एस्पेक्ट, दोनों को मैंने लिखा एक को, लेकिन दोनों को समझाया कि कैसे जो है कुरुतियां उसमें आई थी। अंतिम पॉइंट जो है वो ये है विवाह यानी मैरिज से संबंधित, यहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो वैदिक काल में 8 प्रकार के शादियों का जिक्र मिलता है। जो सबसे पहला शादी का जिक्र प्रकार है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या था, सेम ब्रह्म मैरिज इंग्लिश में लिखते हैं, वो होता था इक्वल यानी समान जातियों वाले लोग जब शादी करते थे तो उसको कहते थे ब्रह्म विवाह। उसके बाद मिलता है दैव विवाह। दैव विवाह क्या था, जब लड़की की शादी पुरोहित से यानी साधु संत से कर देते थे तो उसको कहते थे दैव विवाह। उसके बाद आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या था, आज इंपॉर्टेंट हो गया ये क्योंकि बहुत दहेज प्रथा जो बढ़ गया है। तो आर्ष विवाह था कि लड़का वाले जो थे वो लड़कियों को दहेज दिया करते थे, ना कि लड़की वाले लड़कों को। लड़का वाले लड़कियों को एक जोड़ा बैल या एक जोड़ा गाय दहेज में दिया करते थे, तो इसको कहते थे आर्ष विवाह। और एक बात याद रहे, गाय को जो है अधन्या कहा जाता था। इसको नोट करके आप लिखेंगे, गाय को अधन्या कहा जाता था और गाय ही जो था उस समय हमारा सोर्स होता था कि हमारे पास कितना पैसा है, इन सब चीजों का निर्धारण इन्हीं गाय और बैलों के आधार पर किया जाता था। उसके बाद आर्ष विवाह के बाद इंपॉर्टेंट है आपका प्रजापति। प्रजापति विवाह सबसे समाज में आज सबसे अधिक जरूरत इसी बात की है, या विवाह बिना लेन देन के यानी किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता था और प्रजापति विवाह होता था। और अब आया आपके दिल की धड़कन, युवाओं के दिल की आवाज, गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज यानी प्रेम विवाह जो है, जो आज सभी युवाओं के दिल की धड़कन बनी हुई है। तो प्रेम विवाह का भी जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। सोचिए कितना एडवांस था हमारा वैदिक एज कि लव मैरिज विवाह करता था, अभी तो सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो प्रेम विवाह का जिक्र भी जो है वह इसमें होता है। इसके बाद आता है राक्षस विवाह। नाम से स्पष्ट है कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होने वाला है। तो राजा जब लड़ते थे, जैसे मैंने बताया यहाँ कबीला में, तो जाकर लड़ गए तो दूसरे राजा को पराजित किया। तो जब पराजित करते थे, मूवी में भी ऐसा आप लोग अक्सर देखते रहते होंगे कि पराजित राजा की बेटी से शादी का या तो ऑफर दे देता है या तो जबरदस्ती कर लेता है। तो जो जबरन शादी किया जाता था पराजित राजाओं की पुत्रियों से, राजकुमारियों से, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। उसके बाद है असुर। इसका भी कुछ प्रवृत्ति उसी टाइप से लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। असुर विवाह में क्या करते थे, लड़की को खरीद के शादी कर लेते थे। और अंत में है पिशाच विवाह। ये तीनों देखिए एकदम घटिया टाइप का विवाह है, 6, 7, 8। पिशाच में भी कुछ इसी टाइप का फीलिंग हम लोगों को आ रहा है। इसमें ठगी करके विवाह करते थे, लड़की को ठगा गया, शादी कर लिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने नीचे लिखा है ये अनुलोम और प्रतिलोम। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछता है,
सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अनुलोम विवाह क्या था और प्रतिलोम विवाह क्या था। ये जो विवाह था पहले ये इंटरकास्ट था, पहले तो ये समझिए। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च कुल का लड़का होता था, यानी बिग, देखिए चार्ट में मैंने दिखाया कि बिग बड़ा जो कुल का होता था वो होता था लड़का, और छोटी कुल की होती थी लड़की, यानी अनुलोम। जब लड़का बड़ा और लड़की छोटी हो तो वो होगा आपका अनुलोम विवाह, और जब लड़की हो जाए बड़े कुल की और लड़का हो जाए छोटे कुल की तो उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो ये था आपका वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर आज का पूरा लेक्चर। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और जब अगले क्लास में हम मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप पहले पूरे चैप्टर के अच्छे से नोट बनाइए, याद करिए। अगर आप भेज सकते हैं नोट्स तो भेजिए, हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से नोट्स को बना रहे हैं। और कमर कस लीजिए दोस्तों 2019 के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला है। 50,000 एप्लीकेशंस आते हैं और सिलेबस आप देखिए ना कितना बड़ा सिलेबस है, उबाऊ भी है। तो इन सब को हमको अच्छे से पढ़ते हुए अगर हम एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित तौर पे 2019 का जो एग्जाम है वो आप क्रैक करेंगे। तो क्रैक करने के लिए लगातार नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो हमारे मेंटर से कॉन्टेक्ट करिए, आपको हमारा नंबर है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पे जितना भी मदद हो पाएगा मैं आपको हर संभव मदद दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से अगले क्लास में जहां बात होगी जैन और बौद्ध धर्म की, इसके अतिरिक्त भी जो कुछ धर्म है। तो जय हिंद, जय भारत।